लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तथा 1 सीट टीएमसी उनके सहयोगी दल जो कि ममता बनर्जी के लिए छोड़ दिया है। भदोही सीट को समाजवादी पार्टी ने खाली छोड़ दिया है। सपा ने अपनी चौथी लिस्ट में यशवीर सिंह जो है बिजनौर से, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से पूर्व सांसद विजेंदर सिंह, हाथरथ से जसवीर वाल्मीकि और लालगंज से दरोगा सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ सपा ने भदोही सीट जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए खाली छोड़ी है। सपा ने अपने लिस्ट में नारे में पीडीए पर भी फोकस दिया है। उन्होंने जातिगत समीकरण भी साधा है, जहां सपा ने मेरठ से बिजनौर, नगीना, हाथरस और लालगंज से दलित उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं अलीगढ़ से लोकसभा सीट से जाट प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी में अब तक 37 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है समाजवादी पार्टी। बाकी सीटों पर सपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों के लिए नाम ऐलान करेगी। सपा ने 2019 चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2019 में चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें रालोद भी उनके साथ था। इस चुनाव में सपा ने कुल 5 सीटें दर्ज की थी और उपचुनाव में सपा ने कुल 2 सीटें दर्ज की हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां पर सीधी सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखी जा रही है। लेकिन मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और नवेसी की जो गठबंधन है, इसको भी कहीं ना कहीं कम आंकना मुनासिब है नहीं। फिलहाल सपा ने अपने जो है चौथी लिस्ट की उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस बीच में सबसे बड़ा तर्क यह है कि समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण को नगीना का सीट नहीं दिया है, तो चंद्रशेखर रावण के साथ समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धोखा किया है। क्या चंद्रशेखर रावण किसी सहयोगी दल से टिकट मांगने की कोशिश करेंगे या समाजवादी पार्टी के मुंह पर तमाचा मारते हुए नगीना से चुनाव लड़ेंगे? और चुनावी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।